और इधर देखिए लौकी का ये पका रही हूँ, तो कुछ इस तरह है, इसको पीना है। लौकी का ये जूस पीने में बहुत फायदा। तो चाय हमारा यहाँ उबल रहा है, दो उबाल आ गया है। आज देखिए ये क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हो चंदन? हाँ तो सब तो रेडी, पता नहीं हम सब तो नहीं खेले थे। तो चलो शीतल, चलो सोचो विचारो मत, अब चलो थोड़ा वीडियो बनाते हैं, फिर आप सब पढ़ो अपना किताब निकाल के। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना। जितने भाई बहन कल वाले वीडियो में कमेंट किए हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद, सबका कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें। तो चलती हूँ दोस्तों, आप सबको दिखाती हूँ, तो नमस्ते कर लो। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ बर्तन को धुल ली हूँ, गैस को जला देते हैं, इधर रख देते हैं भगोने को। तो दाल हम धुल के डाल दी हूँ, 100 ग्राम दाल डाले हैं और यहीं पे डाल देते हैं मसाला को। दाल में नमक डाल दिए हैं, यहाँ मिक्स मसाला डाल देती हूँ। तो कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं पकने के लिए दाल। तो आज हम उल्टा साइड रख दिए, इधर भगोना रखना है, दाल बड़े वाली गैस पे रखना है। तो दोस्तों यहाँ चावल मैं साफ करके रख ली हूँ, तो चावल को डाल देते हैं। तो चावल को हम यहीं पे धुल लेते हैं दोस्तों, फिर फेंक आते हैं पानी, और पानी भी नहीं खराब जाता, फूल में सिंचाई कर देते हैं। तो दो बार चावल हम धुल लिए हैं, एक बार और धुल लेते हैं, साफ हो जाएगा। तो हमारी एक दो बहनें पूछी थी संगीता जी, चावल का माड़ आप नहीं निकालती हैं, तो हम सब चावल का माड़ नहीं निकालते हैं। और ये तो दोस्तों चावल को हम डाल दी हूँ। तो दोस्तों चावल को ढक देते हैं, दाल चावल हमारा पक जाएगा अभी, और आटा को गूंथ लेते हैं। बच्चे पढ़ने सब लोग जा रहे हैं, तो जल्दी दाल चावल डाल दी, अभी चाय नहीं बनाई हूँ। तो वहाँ कुकर में चीनी लग रहा है, अभी आवाज़ भी सही नहीं आएगा। तो दोस्तों चीनी में चीनी आ गई है, और हमारी कई बहनें बोली थी कि इसमें लवंग रख दीजिए, मैं लवंग को रखी थी लेकिन चीटी पता नहीं कैसे फिर आ जाती हैं। और दोस्तों लक्ष्मण रेखा हमारे यहाँ मिल नहीं रहा है, बहुत मैं दुकान से कोशिश की, इतना मैं साफ कर ली हूँ, चलती हूँ चाय बनाती हूँ। तो हमारे पैर के नीचे सब आ गई थी और ऊपर भी चोटी चढ़ गई, काट रही हैं पैर में सब, तो कुछ इस तरह। तो दोस्तों हमारा चावल भी पक गया है, थोड़ा बाकी है पकने में, और दाल भी पक चुका है, तो गैस को बंद कर दी हूँ। मैं आटा को गूंथ ली हूँ, तो चीनी लाकर रख दी हूँ, अभी चाय रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ गैस को जला देते हैं, पानी भगोने में रख दी हूँ। तो हमें 6 चाय बनाना है, तो उसी हिसाब से मैं चीनी डालूंगी। तो दोस्तों यहीं पे डाल देते हैं चाय पत्ती को, तो हम चाय में दूध डाल दिए हैं। तो दोस्तों चावल हमारा पक गया है, नीचे उतार लेते हैं और बच्चों का खाना निकाल देते हैं, सब लोग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग तैयार हो चुके हैं, अभी इनका बाल बांधना है। बताना चावल कितना दिना रखें। चाय हमारा उबल रहा है, तो दोस्तों चाय हमारा यहाँ उबल रहा है, दो उबाल आ गया है। तो दाल दे देते हैं। तो दोस्तों इन सबको खाना मैं दे दी, और अभी चाय पक जाएगा थोड़ी देर में, तो जो सामान अब नहीं काम का है ऊपर रख देते हैं। तो दोस्तों चाय हमारा पक गया है, अब हम चाय को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों चाय हमारा पक गया है और नीचे उतार लिए हैं। तो यहाँ तो दोस्तों सभी गिलास में चाय को छान दी हूँ, अभी आधा चम्मच के बराबर जीरा डाल देती हूँ दाल को तड़कने के लिए, या नहीं यहीं पे मिर्चा प्याज को डाल देती हूँ।
तो हमने एक बड़ा साइज का प्याज भी काटी थी। दोस्तों यहाँ शीतल का बाल बांध रही हूँ, उधर तड़का भी देख रही हूँ। आप सब बोलोगे किचन में नहीं बांधना चाहिए, तो इन सबका बाल टूटता नहीं है कि यहाँ गिरे का बाल। मशरूम से तो हम दाल भात खा रहे हैं, सब्जी अगर खा लीजिए तो आप हमको बुला रहे हैं। दोस्तों आंटी का डायरेक्ट 2 दिन में आ जाएगा, अभी तो सिलने के दी हूँ। हाँ तड़क दी हूँ दाल को, तो आज बिना तड़का का दाल खाए हैं बच्चे, तो ढक देते हैं, अब रोटी बनाना है। तो दोस्तों बच्चों को तैयार कर दी हूँ, सबको नहला धुला कर और बाल भी बांध दी हूँ, खाना भी दे दी और टिफिन भी दे दी, बोतल रख ली है ना, अभी बैग गुंजन उधर रखी है, चंदन वहाँ जूता पहन रहे हैं। देखिए ये सब स्कूल से जब 3 बजे आते हैं, तो दोस्तों 3 बजे से मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, तो कैसे करती हूँ हम ही जानती हूँ। दिन भर अब ये सब स्कूल चले जाएंगे, कपड़ा धुलेंगे, बर्तन धुलेंगे, पोछा लगाएंगे, फिर सारा अंजलि को भी नहलाना, फिर ये सब आ जाएंगे, इनको खाना देना, वीडियो बनाना, एडिट करना, शाम को ऐसे बीत जाता है। तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, अब जा रहे हैं, सब लोग खाना खा लिए, तो चंदन जूता पहन के जा रहे हैं, ये सब चप्पल पहन के जाएंगे, गर्मी अधिक है दोस्तों इसी, और ऐसे 3 साइड का घर वहाँ भी है जहाँ पढ़ते हैं, तो धूप अधिक लगता है तो पैर गर्माने लगता है, और चंदन बड़े क्लास में है तो इनका छत वाला स्कूल है दोस्तों, वैसी एक ही स्कूल है लेकिन 2-3 तरह का बनाया गया है। तो सब लोग चल दो, बैग अपना उठाओ सब लोग। तो दोस्तों यहाँ मैं रोटी को बना चुकी हूँ, दाल भी बना ली हूँ, और इधर देखिए लौकी का ये पका रही हूँ, तो कुछ इस तरह है, इसको पीना है तो नजदीक से दिखा दो। तो दोस्तों सुबह उठकर देखिए इसी तरह पकाना पड़ता है ये लौकी, और इसका पानी भी पीना है, और ये जो लौकी बचेगा इसको भी खाना है। तो हमारा लौकी अभी पकने में करीब 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों कहते हैं लौकी का ये जूस पीने में बहुत फायदा होता है, तो इसीलिए ये जूस बना रहे हैं। तो दोस्तों आप सब बोलते हैं कि बच्चों को हर वीडियो में लगा के रखती हो, हमेशा रहते हैं, तो आज देखिए ये क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हो चंदन? सत्तो रेडी। हाँ तो सत्तो रेडी, पता नहीं हम सब तो नहीं खेले थे। तो यहाँ पर कई बच्चे थे, कैमरा उठाते देखे तो सब अलग हो गए, बिगड़ गया मेरे वीडियो के वजह से, है ना चंदन? तो दोस्तों 1 घंटा हो गया ये खेल लिए सुबह से, तो सुबह मैं वीडियो बनाई थी, जो आगे के क्लिप आप सब देखे हैं, ये पढ़ के आए हैं तब बनाए हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आई हूँ आज यहीं, तो यहीं पड़ोस में है, दूर नहीं जाते हैं खेलने, तो सब बच्चे यहीं पे हैं और कुछ बच्चे उधर साइड हो गए हैं, तो इन सबको मैं बुलाने आई थी, तो सोची कि आप सबको दिखा दूँ। तो ये देखिए माता के मंदिर के सामने हैं ये सब, यहीं बगल में, तो ये देखिए इसी गली से हम सब आते हैं, ऐसे घूम के जाते हैं, तो यहाँ पर ये यही खेल रहे थे। तो चलो शीतल गुंजन सब लोग चलो घर पे, अब चंदन गेंद लेकर लगे रहते हैं जब आ जाते हैं, बहनें और भाई और पड़ोस के बच्चे सब मिलकर खेलते हैं। तो चलो शीतल, चलो सोचो विचारो मत, अब चलो थोड़ा वीडियो बनाते हैं, फिर आप सब पढ़ो अपना किताब निकाल के। तो इसी तरह हमारा काम होता है दोस्तों, क्योंकि मैं कमेंट में देखी थी बहुत शिकायत आता है इस बात से, तो आप सब समझिए 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो हम सारा दिन का वीडियो बनाएंगे तो कैसे बच्चों का सारा दिन का वीडियो तो हो जाएगा पूरा 12 घंटा का वीडियो, तो कौन भाई बहन इतना बड़ा वीडियो देखेंगे, और इतना बड़ा वीडियो अपलोड भी नहीं होगा यूट्यूब पर, सिर्फ 10 मिनट का, कभी कभी 11 मिनट का हो जाता है। तो यहाँ सब बैठे हैं, अभी सब चिंता में पड़ गए कि मम्मी आ गई बुलाने, सब लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद में यहाँ पर आकर पहुँच गए। तो चलो चंदन आ जाओ, शीतल सब लोग और बाकी बच्चे सब पीछे हैं, तो वहाँ चंदन आ रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ घर पे पहुँचने भी वाली हूँ, थोड़ी दूर पे वो सब खेल रहे थे, और देखिए हमारा घर थोड़ा सा वहाँ दिख रहा है, और चंदन के पापा आज टीन पे चढ़वाए हैं भैया का, तो जो टीन साइड से पानी आता है वही आज जो 2 पार्ट में रखा गया है टीन, उसी को ढकवा रहे हैं, पानी वहीं से टपकता था, तो सीमेंट लग जाएगा, अब पानी नहीं टपकेगा। दोस्तों बच्चे सब स्कूल से आ गए थे,
और गई थी बुला के लाई थी, तो इतना टाइम से हर दिन वीडियो शूट करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर कपड़ा सब रखा हुआ है, देखिए जो कल मैं धुली थी आज सूखा नहीं था, तो यहाँ पर बर्तन भी धुल दी हूँ। तो इसी तरह हमारा काम होता है दोस्तों, जब बच्चे घर पे रहते नहीं हैं तो सारा काम मैं दोपहर को ही निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों गर्मी से हम सब भीग गए हैं, अधिक गर्मी हो रहा है हमारे यहाँ, तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो स्कूल जाती हैं, बाल बांध दी थी, ये खोल देती है और ये सब बांधी हुई है। तो आप सब शिकायत करोगी कि गुंजन क्यों नहीं बाल बांधी है। तो दोस्तों वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। 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 नमस्ते।